जी ताजरों के तो मसाइल आपने सुने। इस वक्त हम मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो के पास। उनसे पूछेंगे कि साल 2020 में मईशत के हवाले से क्या क्या काम हुए और आगे उनके क्या प्लान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाम साहब, ये बताइएगा कि साल 2020 में मईशत की बेहतरी के लिए क्या क्या काम किए गए। देखें, हम अभी शुरुआत होने वाली है 2020 की, अपना नए साल की, तो हमारी उम्मीद यही है कि अल्लाह बेहतर करे। जिस तरह दुनिया के आपने हालात देखे हैं, इकॉनमी देखी है, एक ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, ख़ास करके कोविड की वजह से बड़े बड़े मुल्कों की मईशत तबाह हो चुकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान में हालात बेहतर करे, और स्पेशली जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, मेरी उम्मीद है कि अल्लाह उनको भी तौफीक दे के अच्छी पॉलिसीज़ लाएँ, और हम उनसे तवक्का रखते हैं कि स्पेशली सिंध के बारे में मैं बात करूंगा, जहां से सबसे ज़्यादा गैस पैदा होती है, 70% पाकिस्तान की गैस प्रोड्यूस करता है सिंध सूबा। तो आज आप देखें कि यहां पे लोड शेडिंग चल रही है, और सनतें इस वजह से, अगर ज़ाहिर है गैस नहीं होगी तो कैसे चलेंगी, तो उनको भी सनतें बंद करनी पड़ रही हैं, और उससे काफ़ी माली नुकसान हो रहा है। पहले ही सनतकार कोविड की वजह से परेशान है, उनका कारोबार बंद हो चुका था, लेकिन अभी बड़ी मुश्किल से उसने रिवाइव करना शुरू किया है, तो ऊपर से ये लोड शेडिंग का अजाब आ गया है। और आप देखें, दिन ब दिन कभी गैस महंगी की जाती है, कभी बिजली महंगी की जाती है, तो मैं ये फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करें, और पाकिस्तान में एक बेहतर इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहतर माहौल पैदा करें। अच्छा, इसमें छोटे जो ताजर हैं कराची के, उनको कुछ तहफ़ात हैं, और वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, और अपने मुतालबात के लिए कुछ ज़्यादा एहतजाज भी करते हुए नज़र आते हैं, तो वो क्या इशू है? उन छोटे ताजरों का साथ नहीं दिया जा रहा, या उनके जो मुतालबात हैं वो ऐसे हैं कि जो माने नहीं जा सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा अच्छा रिलेशन है ताजरों के साथ हमारा, और आपने देखा होगा कि ज़ाहिर कोविड की वजह से जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ आती हैं, एनसीओसी की तरफ से जो हमें टाइमिंग्स या गाइडलाइंस दी जाती हैं, तो उस पर हमारी कोशिश होती है अमल करना। उनको, उनकी ज़्यादातर शिकायत ये होती है कि दुकानें देर तक खुली रहें, कारोबार चलता रहे, तो उस वजह से कुछ उनको शिकायत होंगी, लेकिन उसमें भी आप समझें कि हम लोगों की जान के तहफ़ुज़ के लिए ये सारा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मार्केट्स, लोग जहाँ भी हों, छोटी छोटी दुकानों पे लोग SOPs फॉलो करें, ताकि इस वबा से बचा जाए। जाम साहब, ये बताइए कि नया साल शुरू होने को है, बिल्कुल इख्तिताम पसीर होने वाला है 2020, तो कोई प्लान्स हैं इस हवाले से कि मईशत को कोई सहारा मिले और सनअत व तजारत को कोई फ़रोग मिले? देखें, हमारी तो पॉलिसी है कि सिंध में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन बने, और उसमें इंशाल्लाह अगले माह हम एक नए इंडस्ट्रियल जोन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इफ्तिताह करेंगे लाड़काना इंडस्ट्रियल जोन का, और हमारी कोशिश है और नए इंडस्ट्रियल जोन खुलें। और इसलिए मैं ज़ोर दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट पे कि जब तक उनकी पॉलिसीज़ बेहतर नहीं होंगी, जब तक वो ये रोज़ बरोज़ जो गैस का रेट बढ़ा देते हैं, बिजली के बिल बढ़ा देते हैं, जब तक इन चीज़ों पर वो कंट्रोल नहीं करेंगे, तो लोग इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाएंगे। तो मेरी सबसे फेडरल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करें। जाम साहब का ये कहना है कि सूबाई हुकूमत सिंध की जो है वो तो ताजिरों सनतकारों के साथ खड़ी है, और सनत व तजारत के फ़रोग के लिए कोशा भी है, साथ साथ उन्होंने जो दरख्वास्त की है वो विफाक से की है कि वो भी इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करें। बीस में कराची में स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में ज्यादा बढ़ गया, शहरी चोर और डाकुओं के निशाने पर रहे। साल 2020 अमन अमान के हवाले से तो कुछ बेहतर रहा, लेकिन स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो है शिकायत बहुत ज्यादा सामने आई। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, ये साल कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये बताइएगा कि साल 2020 कैसा गुजरा, आप क्या समझते हैं कि इसमें अमन अमान की सूरत कैसी रही, वारदातें बढ़ी या कम हुई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर, ये साल में अमन अमान तो माशाल्लाह सही रहा, लेकिन क्राइम का तो जो अभी वारदातें हो, छोटी मोटी वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बेरोज़गारी भी बढ़ गई थी, महंगाई का भी मसला हो गया था, लोग जो है ना कारोबार नहीं थे, अब क्राइम भी जो है ना छोटी मोटी तो होती रहती है, ये माशाल्लाह थोड़ी बड़ी भी है,
लेकिन रोजगार का मसला, काम का मसला, महंगाई का मसला, ये लोगों के लिए बड़ा मसला हो गया है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो स्ट्रीट क्राइम है और ये जो डकैती की वारदातें हैं, इनको रोकने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए और आपको क्या उम्मीद है हुकूमत से? हमें तो माशाल्लाह उम्मीदें तो बहुत है, अल्लाह इस गवर्नमेंट को कुछ हिदायत करे कि थोड़ी बहुत जो है ना आवाम के लिए भी करे, क्राइम पे भी जो कंट्रोल करे और लोगों को जो अमन अमान के लिए थोड़ा, हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं भाई थोड़ा बहुत जो है ना आवाम के लिए भी कुछ करो, क्राइम में थोड़ी कमी आनी चाहिए। आपके कुछ रेंजर्स भी है, हमारे अदारे हैं, उनको भी हम कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत जो है ना आवाम का भी कुछ ख्याल किया जाए, आवाम का ख्याल करें। लोग अपील कर रहे हैं कानून नाफिस करने वाले इदारों से, हुकूमत से, कि कुछ करें आवाम के लिए, वो कम से कम स्ट्रीट क्राइम के जिन पर काबू पाएँ। बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मौकफ जानने के लिए जब पुलिस अफसरान से रब्ता किया गया तो उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से इनकार कर दिया और बताया कि इन जुराम से निमटने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, जल्द ही इन वारदातों पर काबू पा लिया जाएगा। कराची के आम शहरी हो या ताजर बिरादरी, सभी हुकूमती पॉलिसियों से नाला नजर आते हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत शहर और शहरियों की बेहतरी के लिए क्या इकदाम करती है।